नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जदयू जो अक्सर बात करती है महिलाओं के लिए, महिला उत्थान के लिए बात करती है, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी महिलाओं के पक्षधर माने जाते हैं। यानी कि कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई सारी कल्याणकारी योजनाएं एक ही समय में चलाई, जिससे महिलाओं को आत्मबल मिला, उन्हें रोजगार संसाधन उपलब्ध कराए गए और उन्हें जो है लोन मिला। अलग अलग मुख्यमंत्री जो है, जैसे कन्या योजना है लड़कियों को जो है आगे लाने के लिए, इसके साथ ही जैसे महिलाओं को, छात्राओं को आरक्षण देने की बात हुई, इसके साथ ही छात्राओं को जो है जो उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, पोशाक योजना, साइकिल योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो माना जाता है कि महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने साहसिक कदम के रूप में उठाए थे। ऐसे में अगर बात करें तो जदयू में और जदयू के कार्यालय के साथ साथ तो पूरे राज्य में किसी भी काम में नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान भी किया है। ऐसे में बिहार में जो एक बड़ा कानून शराबबंदी का कानून है, ये महिलाओं के कहने पर ही नीतीश कुमार जी ने लागू किया था। आपको बता दें कि 11 भवन में कार्यक्रम आयोजित था, ऐसे में जो है वहां जो बातचीत चल रही थी, महिलाएं एक साथ उठ करके शराबबंदी कानून, शराब को लेकर के जो है विरोध करने लगे थे और इसके पीछे वे कह रहे थे, इसका तर्क दे रहे थे कि शराब पीने के बाद जो उनके पति हैं, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, वे घरेलू हिंसा करते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने तत्काल वहीं से जो है शराबबंदी की घोषणा कर दी थी। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, अलग अलग चीजें हैं। चीजें स्पष्ट होती है कि जब भी बात बिहार में महिलाओं के पक्षधर सरकार की आती है तो नीतीश कुमार जी का नाम सबसे आगे आता है। लेकिन इस बार जदयू के राष्ट्रीय जो कार्य समिति की जो लिस्ट आई है, फाइनल लिस्ट आई है, इसमें एक बड़ी बात देखने को मिली है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में तमाम लोग तो मौजूद हैं, लेकिन इसमें कोई भी महिला मौजूद नहीं है। जी हाँ, एक बड़ी खबर है जो भारत लाइव की टीम आपको बता रही है कि जदयू के जो फाइनल लिस्ट में कार्य समिति की, जो नेशनल राष्ट्रीय कार्य समिति की जो फाइनल लिस्ट आई है, इसमें आरसीपी सिंह जी को ऑड किया गया है। आरसीपी सिंह जी कहीं नहीं है, लेकिन इसके अलावा महिलाओं को भी स्थान नहीं दिया गया है। तमाम लोग हैं लिस्ट में, कुल जो है 18 लोग शामिल हैं राष्ट्रीय कार्य समिति में, लेकिन एक भी महिला नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार जी जिस आरक्षण की बात कर रहे थे, महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे थे, महिलाओं की सामाजिक भागीदारी की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के प्लान पर, नीतीश कुमार जी के पार्टी ने ही एक बड़ा सदमा लगा दिया है, एक बड़ा झटका लगा दिया है। अगर इस पूरे लिस्ट में देखें तो राजीव रंजन सिंह का जी का नाम है, यानी कि ललन सिंह जी का नाम है, केसी त्यागी जी का नाम है, उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद हैं, आलोक कुमार सुमन जी मौजूद हैं, रामनाथ ठाकुर जी मौजूद हैं, मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी मौजूद हैं, रामसेवक सिंह मौजूद हैं, संजय झा मौजूद हैं, गुलाम रसूल बिलियाबी साहब मौजूद हैं, अफाक अहमद खान मौजूद हैं, प्रवीण सिंह इसका आलम साहब मौजूद हैं, हर्षवर्धन सिंह मौजूद हैं। इसके बाद बात करें आरपी मंडल जो झंझारपुर क्षेत्र के सांसद हैं, वो मौजूद हैं, विद्यासागर निषाद वो मौजूद हैं, रविंद्र प्रसाद सिंह वे मौजूद हैं, राज सिंह मार वो मौजूद हैं, राजीव रंजन प्रसाद वो मौजूद हैं। यानी कि कुल अगर 18 लोग जो हैं वे मौजूद हैं, लेकिन इसमें से एक भी महिला नहीं है। और ऐसे में नीतीश कुमार जी के खुद के प्लान पर, खुद के नीति पर एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो गया है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि जदयू में रहने वाली महिलाएं और बिहार में रहने वाली महिलाएं इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। जदयू के भीतर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रवक्ता हैं, जदयू के प्रदेश कमेटी में भी हैं, तो वे क्या सवाल करती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को भागीदारी नहीं देकर के नीतीश कुमार जी क्या साबित करना चाहते हैं। जो है भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।